हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, जाइडस लाइफ साइंस की ओर से जून क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे अनऑडिटेड स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों फिनांशियल रिजल्ट आउट हो चुका है फर्स्ट क्वार्टर का, जो कि हम लोग कवर करेंगे। पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे नंबर्स। यहाँ पे गाइज हम लोग पहले चलेंगे जो कि नंबर्स दिया गया है, लाख करोड़ में, लैक्स में नंबर्स दिए गए हैं। और इनकम की बात करें, मिलियंस एक्चुअली नंबर दिए गए। इनकम है 6370.7 करोड़ का मार्च 24 में, 5690 करोड़ का जून 23, 5175.6 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 4371 करोड़ का मार्च 24 में, 4132 करोड़ का और जून 23 में 3832 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर एक्सपेंसेस भी इंक्रीज किया इनकम के अकॉर्डिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1899.7 करोड़ का मार्च 24 में, 1547 करोड़ का और जून 23 में 1329 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है इस बार का 1419.9 करोड़ का मार्च 24 में, 1182 करोड़ का जून 23 में, 1086.9 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस कंपनी का 14.11 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। सेगमेंट वाइज फार्मास्यूटिकल्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इन दोनों में इंक्रीज किया, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। गाइज कंपनी का इनकम और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज किया है कॉन्सोलिडेटेड में। अगर स्टैंड अलोन कवर करें, इनकम है 4266.8 करोड़ का मार्च 24 में, 3693.5 करोड़ का और जून 23 में 3038 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस कंपनी का हुआ 2033 करोड़ का मार्च, सॉरी एक्सपेंस हुआ कंपनी का इस बार का, अगर देखा जाए तो इस बार का एक्सपेंस है 2033 करोड़ का मार्च 24 में, 2000 करोड़ का और जून 23 में 2025.6 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में भी इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2233.5 करोड़ का मार्च 24 में, 1684.9 करोड़ का और जून 23 में 1012 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 1700.8 करोड़ का मार्च 24 में, 1400.5 करोड़ का और जून 23 में 780.9 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस 16.9 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। तो गाइज कंपनी का जो रिजल्ट आया, स्टैंड अलोन हो या कॉन्सोलिडेटेड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश किया, क्योंकि इनकम प्रॉफिट दोनों में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। शेयर की बात करें, 1303 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, 1.84% का प्रॉफिट है। 5 डे में 5.7% का प्रॉफिट है, 1 मंथ में 11.7% का प्रॉफिट है, 6 मंथ 62% का प्रॉफिट है। गाइस कंपनी का शेयर में भी एंट्री करना थोड़ा इसको, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी ओवर प्राइस जा चुका है, अभी इसमें आप थोड़ा वेट कीजिए गाइस। लेकिन अगर आप शेयर ले रखे तो आप इसको होल्ड कंटिन्यू कीजिए। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।